हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शीशावर्ड। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बजे है सुबह के 5 और मैं कर रही हूँ झाड़ू। उसका एक रीज़न है क्योंकि अभी हमें जाना है निधि के बेटी के नामकरण में ऋषिकेश। तो अभी हम लोग वहाँ जाने की तैयारी करेंगे। तो मिशिका और शशांक सो रखे हैं और हम 6:30 तक निकलेंगे क्योंकि 8:30 उसकी पूजा स्टार्ट है। पूजा, पंडित का आना, सारी चीज़ें तो मैं मिस नहीं करना चाहती बिकॉज निधि की वजह से। तो मैं जा रही हूँ और अभी पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, कल मुझे नहीं पता था दूध नहीं है। हमेशा ना दूध रहता है मॉर्निंग में क्योंकि शशांक को जाना होता है जल्दी, तो दूध रहता है। कल क्या हुआ मुझे पता नहीं चला दूध नहीं है, तो अभी मैं चाय भी नहीं बना सकती शशांक के लिए। तो मैंने कहा आप सोते रहो, जितने शॉप खुल जाएगी मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय बना लूँगी, देन तुम जब जाना। तो मैं पहले सफाई करके नहा लेती हूँ, उसके बाद शशांक और निशिका को जगाऊँगी। एक तो मेरी आवाज़ सुबह पहले ऐसी हो जाती है, सेकेंड ये आज हम खूब मस्ती करने वाले हैं और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना क्यूटी से मिलने के लिए। मैंने फ़ोटोज़ देखी उसकी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। तो फाइनली मैं मिलूँगी। और मिशू भी कर रही थी बेबी, कल उसके पापा ने सिखाया था छोटा बेबी है वहाँ बेबी, क्योंकि मीशो आजकल ना एक एक शब्द बोलने लग गई है किसी भी चीज़ के। तो जैसे ही उसके पापा ने कहा कल छोटा बेबी है वहाँ, बोल रही बेबी, तो इतना क्यूट सा मेरे को लग रहा है मीशो का रिएक्शन क्या होगा। सफाई करके फ्री हो गई हूँ और अभी हो रहे हैं 5:30। शशांक मीशिका लिटरली अभी भी सो ही रहे हैं और शशांक को मैंने 4 बार कह दिया, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। फिर उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ, देन एक तो शॉप भी नहीं खुलती कि उससे सामान लेकर आने हैं, तो चलो अभी पहले नहा लेती हूँ। मीशिका देखो किस तरीके से सो रखे हैं। तैयार हो चुकी हूँ फाइनली, और पता है कभी भी कहीं पे भी जाना होता है ना तो आपको नहीं पता चलता हेयर स्टाइल कैसे करना है, तो मैंने ऐसे ही करती हूँ रफली पोनी बनाकर हाथों से और उसका बन बना देती हूँ। और मीशू को शशांक नहला रहे हैं इसलिए वो रो रही है, और उसको अब मैं बाहर तैयार करती हूँ और फिर हम निकलते हैं। और ऑलरेडी लेट हो गए, मैंने साड़ी पहन रखी रेड कलर की, मुझे अच्छी भी लगती है और पूजा भी है तो इस वजह से मैंने ये वाला पहन लिया। और ओके अब ये देखो ना कैसा लग रहा है। पता है कहीं पे भी जाना होता हेयर स्टाइल बनती नहीं, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इससे अच्छा मैंने कहा ऐसे ही बना देती हूँ। यहाँ से निकल रहे हैं और मीशू भी तैयार हो गई है, शशांक भी हो गए, तो हमारी निकलने की तैयारी है। हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी बज रही है 6:07 और 8:30 से पूजा का टाइमिंग है, देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या शशांक भी पहली बार जा रहे हैं, वो पहले नहीं गए हुए हैं और मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। शशांक ध्यान से चलाओ, मैं वैसे बैठी हुई हूँ, एक तो पहली बार मैं लेडीज चेयर से बैठी हुई हूँ क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी है, ऊपर से शशांक गाड़ी ऐसे चला रहे थे धचकी दे देकर कि पता चला मैं यहीं गिर गई। एक सेकंड रुकना आंटी, चलो कॉल कर दूंगी दूध वाली आंटी को भी बोलूंगी ना कि शाम को दूध लेना है, अभी सुबह का नहीं लिया है। आज वहाँ पे अपने करने हैं बहुत सारे एंजॉय क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस बेबी को देखने के लिए ना, क्यूटी को छोटी सी। तो अभी और मीशू, मीशू का गाने चल गए, मीशू बोलो कहाँ जा रहे हो? बेबी, बेबी से मिल रहे, बेबी बेबी से मिल रहे, कहाँ जा रहे हो मीशू, कहाँ जा रहे हो? एटीएम के अंदर गए हैं। और ये मीशिका की हाल, इसको कितना भी सही रखो ये वापस से गंदी हो जाती है। ये देखो, देखो उसको, चलो पापा चल रहे मीशू, जे करके आ जाओ जल्दी से, जागो वहाँ पे, जे करके आ जाओ जल्दी जाओ। तो ये शशांक के ऑफिस के पास वाला मंदिर है, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ ना, मंदिर है इसलिए। वाह, घूम रही है, हनुमान
जितना निहारो उतना कम, इतने सुंदर लगते हैं हनुमान जी। मीशू यहाँ पे फुल मस्ती कर रही है, शशांक गए हुए हैं ऑफिस और हम ऑफिस के पास वाले मंदिर में, जो उनके जस्ट ऑफिस के पास मंदिर है वहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। अंदर मंदिर के मैं बोल नहीं सक रही थी, अच्छा नहीं लगता है, सब लोग थे वहाँ पूजा कर रहे थे इसलिए मैं नहीं बोली। और मीशू को देखो घूम रही है वो चारों में। तो आपको ये त्रिशूल दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये अभी बना है, देखिए वाह कितना प्यारा लग रहा है। और ये काफी, हम काफी दूर से इसको देख रहे हैं, हम काफी दूर है, हम फ्लाई ओवर के ऊपर है और वो वहां पे है जय मनसा देवी की। फाइनली पहुंच चुके हैं हम मौसी जी के घर पे। कहाँ पे घूम रहे हो? हेलो दीदी, हाय, हेलो। नहीं नहीं अच्छे से लूंगी। मीशू वाले रूम में वो सर जीती आ गए फोन पे बात करते करते। और मिशिका को दूध पिला रही हूँ, तो मिशिका यहाँ पे दूध पी रही है। मीशू तो मिशिका यहाँ दूध पी रही है, बाकी सब लोग सामने वाले रूम में है, मीठू वाले रूम में और ये जेठी का रूम है, तो सब वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और मीशू वहाँ पे दूध पीती नहीं, मस्ती करने में लगी रहती है, इसलिए मैं इसको इस वाले रूम में लेकर आई। ओके आगे देखते क्या क्या होता है। वो इतनी क्यूट है ना यार, वो इतनी प्यारी सी है, मैं सुबह से उसी को देख रही हूँ। भावना जो निधि की फ्रेंड है ना, वो भी आ रखी, वो कह रही सुबह से कितनी बार देखोगे आप, इतनी बार देख लिया। मैंने कहा मन ही नहीं भर रहा मेरे को उसको देख कर ना, इतना क्यूट सी लग रही है वो। और मीशू की मस्ती चल ही रही है और शिवम के साथ ज़्यादा खेलने में लगी हुई है वो। दीदी सोनी दीदी का बेटा है शिवम ना, उसके साथ में। चलो ओके आगे बताते हैं आपको क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। आप भावना कहाँ जा रही है? हम नाश्ता करने, अभी तो पूजा तो शुरू होने देती। कोई बात नहीं, आपने आप बहुत ब्रांड आता है तो ना पर की का नीचे हो जा दूसरा दे रहा हूं। हाँ मेरी, मैं क्या करूँ उसका? बाबू बच्चे मम्मी के साथ जाओ। मिशू 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 आजा आजा आजा। मेरी बच्चे को ये भी नहीं है मेरी माँ है, अपने माँ में माँ सो रखी है, वही तो उसको ये भी नहीं कि मेरी माँ है। मम्मी का लेजे हो दो प्लेट लेती हुई, एक उसने मेरे हाथ में दी है, एक उसने मेरे हाथ में, यहाँ देखो। Thank you.
नमो संभवाय च मायो भवाय च नमो शंकराय च नमो महेश्वराय च नमो शिवाय च नमो शिवाय च कासवासी माति काल रक्षण कोटि कन्या महादानम विपत्रम दर्शनम विपत्रम प्रतिपादनाति कोटि कन्या महादानम विपत्रम शिवार्थम तेन तेनाकारम तेन नेत्रम त्रिजन्मम पाशंगारि विपत्रम शिवार्थम ओंकारि तामि परमा विष्णु रूप देतां मते मुक्ति देतां मत्र गोपकार आदि गंधम अति संपात्रम पुष्पम रूपम दीपम निर्जन विज्ञान हरि नाना तोमा श्री हरियाप्रियम दिशर्वावादा प्रसन्नम ये समय आ जाएंगे ये पहना दो इसको ये पहना दो ये बजेंगे निधि बजेंगे अच्छे लगे अरे वाह नानी जी कुछ ज्यादा ही लेकर घूम रहे हैं। नानी जी के हाथ में डब्बे डुब्बे ज्यादा दिख रहे हैं। पाओ सेम इसका वाली है अच्छी ली है टेंशन मतलब ये कितने दिया अच्छी ये गिफ्ट इन्होंने अलमारी से निकाले पता नहीं किसके वापस भेज दिए ये
ले ले तो मैं आ गई। वही तो तू खा रही है, तू ले ले। आ रही हूँ ना, दो सेकंड मैं कम ही लूँगी यार, मेरा पेट पता नहीं दर्द हो रहा है भयंकर। तो अभी हमने जस्ट खाना खाया है, दीदी तो अभी हमने जस्ट खाना खाया है, मैं और निधि ने लास्ट में खाया था, उससे पहले सभी ने खा लिया। और छत पे छत पे जार है, छत पे लगा हुआ है, यहाँ पे सब है। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।